अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्तादजी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम हुआ है 20 दिसंबर 2020 को, और इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं यहां पर आपके लिए पुट डाउन कर रहा हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और जो आपकी कन्फ्यूजन है उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था, हाउ मेनी ईयर्स नेल्सन मंडेला रिमेंड इन प्रिजन। तो इसका राइट आंसर था 27 ईयर्स। नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स जेल में रहे। LPG stands for, तो इसका राइट आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अल जजीरा टीवी बिलोंग्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर था कतर। अल जजीरा टीवी कतर से बिलोंग करता है। रोपाल ग्लेशियर इज इन विच माउंटेन रेंज, तो राइट आंसर था हिमालयास। ये ग्लेशियर ग्रेट हिमालयास में वाक्या है। इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है शेख रशीद अहमद, जिनको रिसेंटली रेलवे से हटा के इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको सौंपी गई है। हु वन USA ओपन टेनिस मैन सिंगल 2020 टाइटल, तो इसका करेक्ट आंसर था डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम ने 2020 टाइटल USA ओपन टेनिस सिंगल्स मैन का विन किया है। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इज एन ऑथर ऑफ, तो राइट आंसर है सही बुखारी। सही बुखारी के जो मुसन्निफ हैं वो इमाम इस्माइल हैं। हु वन US ओपन टेनिस वुमेन सिंगल 2020 टाइटल, तो इसका राइट आंसर है नायोमी ओसाका। नायोमी ओसाका जो है वो उन्होंने विन किया है USA ओपन टेनिस वुमेन सिंगल 2020 टाइटल। US प्रेसिडेंट फेमस फॉर स्टार्टिंग फिटनेस मूवमेंट, तो जिस US प्रेसिडेंट ने फिटनेस मूवमेंट स्टार्ट की और उसकी वजह से उनको फेम मिली वो थे डेविड डी एसनहोवर। लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट मसल है वो है सार्टोरियस। इसका राइट आंसर था सार्टोरियस। बैरी एल जॉनसन एंड जैक के नेल्सन रोड, तो इन्होंने जो बुक मिलके दोनों ने लिखी थी उसका नाम था अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो राइट आंसर है जनरल टिक्का खान। पाकिस्तान आर्मी के फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान थे। सिनोनिम ऑफ रिप्राइजल, रिप्राइजल का सिनोनिम था रिटेलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एरी, तो इसका जो राइट आंसर था वो था अनकैनी या अनकैन। आप अगर वहां पर ऑप्शन था तो आप उसको टिक कर सकते थे। फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, तो इसका राइट आंसर था प्लेटो। प्लेटो जो था ये फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म इसको माना जाता है। बाबर रेडिड पंजाब फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फाइनली डिफीटेड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली द लोधी एट द बैटल ऑफ पानीपत इन, तो इसका राइट आंसर था 1526। पानीपत की लड़ाई जो के 1526 में हुई थी उसमें बाबर ने रेड किया था पंजाब को फ्रॉम अफगानिस्तान और फाइनली डिफीट किया था लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जो के लोधी थे एट द बैटल ऑफ पानीपत। ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइजेस, तो इसका राइट आंसर था कि ये एक कंटिन्यूटी है, ये एक लिंक को शो करती है बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम्स। द इंटेंगल्ड रिंग्स आर सर्कल्स ऑन द फ्लैग मेड ऑफ वाइट सिल्क आर, तो ये जो ओलंपिक फ्लैग्स है उसके ऊपर इंटेंगल्ड रिंग्स हैं जो सर्कल्स बने हुए हैं और ये जो कपड़ा होता है फ्लैग का वो वाइट सिल्क का होता है। उन रिंग्स का, उन सर्कल्स के जो कलर्स हैं वो यहाँ पर पूछे गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर था ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड और इनका सीक्वेंस जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह है। मर्गे मफाजात की तरकीब का मफहूम क्या है, जैसे कि आपको मालूम है कि जीके के पोर्शन में दो क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड भी डाल रहे हैं, तो मीनिंग पूछा गया था मर्गे मफाजात का, तो इसका राइट आंसर है नागहानी मौत। इन पाकिस्तान कराकरम हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम,
तो करेक्ट आंसर होना था हसन अब्दाल। पाकिस्तान में कराकरम हाईवे हसन अब्दाल के मुकाम से शुरू होती है। ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइजेस, ये पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है कि ये कंटिन्यूटी है बेसिकली एंशिएंट और मॉडर्न गेम्स के दरमियान। खालिद फतेह के नावल खलीज का मौजू क्या है? तो ये बेसिकली फॉल ऑफ ढाका, जिसे स्कूते ढाका कहते हैं, या तकसीम मशरकी पाकिस्तान, ये मौजू है खलीज का, जो कि तहरीर किया है खालिद फतेह ने। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने बात की है आज के पेपर जो कि फिजिकल एजुकेशन का था, उसमें आने वाले क्वेश्चंस की, और मैंने पुट अप किए हैं सॉल्यूशंस और राइट आंसर जो थे जो आपने टिक करने थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि आपका पेपर किस हद तक ठीक हुआ है। अगर वीडियो के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आप हम अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई हो तो उसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपने अभी तक उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को फेसबुक पे भी सब्सक्राइब नहीं लाइक नहीं किया तो उधर भी लाइक कीजिए। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस हमारी इन तीनों फोरम पे अवेलेबल होती हैं। व्यूअर्स, आपको आपके एग्जाम्स के लिए गुड लक, और रिजल्ट के लिए भी हमारी बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। उम्मीद है आपकी सिलेक्शन और पॉजिटिव रिजल्ट्स के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे और आपकी सिलेक्शन यकीनी होगी। गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स एंड सिलेक्शन। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।